In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Good morning, class 7. In previous video, we did the paragraph number 7 half and we will start from the next. It is on page number 5. But the momentum of Shevardhan's charge carried her towards even. She was dying on her feet. Momentum kehte hain zore baazu. Lekin शेवी ढोंक का जोर बाजू जिस रफ्तार से वो आगे की तरफ हरकत कर रही थी ऐसा लग रहा था कि वो उसके पाँव में जाकर मरेगी. शी टू हिट द थाई एग्जैक्टली वेयर शी हैड एम. उसने थाई को झोंपड़ी को वहीं पर हिट किया जहां पर उसके इरादे थे. एट द जंक्शन ऑफ टू क्रॉस बीम दैट हेल्ड इट टुगेदर. जंक्शन कहते हैं मीटिंग प्लेस को. उसने मीटिंग प्लेस या जॉइंट उसने इस जंक्शन पर हिट किया जहाँ पर दो भीम आपस में मिले हुए थे और झोंपड़ी को जो है वो सहारा दिया हुआ था उनको. द स्ट्रक्चर अपीयर टू एक्सप्लोड. अब जो स्ट्रक्चर था जिसका हथौड़ा था जो बनावट थी वो बिल्कुल सामने आ गई थी एक्सपोज हो गई थी. विद लॉग एंड बीम्स एंड थच फ्लाइंग इन टू द एयर. अब वो कह रहे हैं कि लोग जो उसकी लकड़ियाँ थी जो बीम थे जो थच कहते हैं ऐसा रूप जो स्ट्रा से बना होता है हवा में सब चीज़ें हवा में उड़ रही थी. मेके टाकन वाज कैटापुलेटेड टू द ग्राउंड ओवर द शेविडोक हेड. कैटापुलेटेड कहते हैं मंजीक से निशाना बांधा. उसने मंजीक से शेविडोक के सर का निशाना बांधा और फायर किया या उसने तीर चलाया. शेविडोक टर्न नाउ. अब शेविडोक जो है वो पीछे की तरफ मुड़ी. अंटल शी वाज फेसिंग द असिस्ट प्रोन बॉडी. अब उसकी जो बॉडी थी वो ज़मीन पर ओंधे मुंह पड़े हुए थे. देन वेरी स्लोली शी अलाउड हर डाइंग वेट. उसने बहुत आहिस्ता से अपने जिस्म को मरे हुए जिस्म को इजाज़त दी अलाउ किया टू गो क्रशिंग डाउन ऑन हिम. उसके ऊपर जाने को हेड फर्स्ट सबसे पहले सर गया. एंड हर वेट रोलिंग ओवर इन द सर्कुलर मोशन. और उसका जो बाकी जिस्म है वो सर्कुलर मोशन में रोलिंग करता हुआ आया. आई थ्रू माई सेल्फ डाउन टू द हर्ड स्लेडर विद द हिसन ओ क्लोज्ड बिहाइंड मी. मैंने जो है हट की सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश की और हिसन ओक भी मेरे बिल्कुल साथ ही थे. रनिंग टूवर्ड्स ताई की तरफ जाते हुए भागते हुए आई स्टम्बल्स इन द डार्कनेस एंड फेल. स्टम्बल्स कहते हैं ठोकर खाना. मैं मुझे ठोकर लगी और मैं वहाँ पर घेर गया. फेस फर्स्ट ऑन द मड. सबसे पहले जो है वो मेरा चेहरा कीचड़ में गया. एंड द हिसन ओक वाज हेल्पिंग मी अप व्हेन अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्पिल्ड द स्काई. और मेरी मदद कर रहे थे हिसन ओक जब अचानक आसमान पर बिजली चमकी. सडनली ही लेट गो आउट माई हैंड एंड अनलूज्ड. अब वो मेरे हाथ से बिल्कुल छूट गया. आ रोज्ड स्टम्बरिंग शाउट. रोज कहते हैं बैठी हुई आवाज़ को. स्टम्बरिंग कहते हैं हकला कर बोलना. मुझे हकला कर बोलने की आहिस्ता से बैठी हुई आवाज़ सुनाई दी. व्हाट इज इट. ये क्या है. आई सेड व्हाट डिड यू सी. आपको ये क्या सुनाई आपको क्या दिखाई दे रहा है. लुक डाउन एट द ग्राउंड. कह रहे हैं कि नीचे देखो ग्राउंड में देखो. लाइटनिंग फ्लश्ड अगेन एंड आई सॉ डायरेक्टली अहेड ऑफ मी. दोबारा से लाइट चमकी दोबारा से बिजली चमकी और मैंने देखा बिल्कुल अपने सामने द ह्यूज केलो मार. और मैंने अपने सामने बिल्कुल एक कोसेन की शक्कर का मार देखा. ऑफ शेविडोक्स फीट. शेविडोक के पाँव का. बट बिसाइड इट इट्स अ स्मॉलर इम्प्रेशन क्यूरियसली शार्प शेपलेस ऑलमोस्ट अप्लोंग. और उसके साथ ही उसने वहाँ पर कुछ और निशान देखा जिसकी कोई शक्ल कोई खास शक्ल नहीं थी लेकिन वो लंबूतरा सा था. व्हाट इज इट. ये क्या है. आई सेड व्हाट मेड दैट मार्क. ये निशान किसने बनाया. इट इज़ फुट प्रिंट. ये एक पाँव का निशान है. ही सेड ह्यूमन. और इसने कहा ये एक इंसानी पाँव का निशान है. यू हैव डन योर पेज नंबर 5.